हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे चावल की खीर। जिसके लिए चाहिए हमें आधा लीटर दूध, दो मुट्ठी चावल। इसे भिगाकर साफ करके आधे घंटे के लिए भिगाकर सोक कर लिया है मैंने इस तरह से। और ड्राई फ्रूट, इलायची पाउडर, एक चम्मच घी और 5 से 6 चम्मच शक्कर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चावल लें मिक्सी बाउल में, इसे थोड़ा सा मिक्सी कर लें इस तरह से। इसे बारीक थोड़ा सा पीस लें, एकदम बारीक भी ना पीसे। अब कढ़ाई रखें, इसमें 1 चम्मच घी डालें, 1 चम्मच घी को गरम होने दें। घी हमारा गरम हो गया, अब इसमें डालेंगे हमने जो चावल पीसे हुए थे वो। और इसे हमें स्लो फ्लेम में इसे हमें भूनना है। इसे अच्छी तरह से भूने इस तरह से चलाते रहें। इस तरह से चलाएं। चावल हमारे भून गए हैं, इसमें 1 ग्लास पानी डालेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखना है हमें, ऐसे पकने के लिए रखना है। अब एक बर्तन ले, इसमें डालेंगे हम दूध 1/2 लीटर, इसे गरम होने दें। हम चावल देख लेते हैं, देखिए अब ये धीरे धीरे पक रहा है। दूध हमारा गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे हम ड्राई फ्रूट और इलायची पाउडर, शक्कर 6 चम्मच, ऐसे अच्छे से मिला लें। 2 से 3 मिनट के लिए उबाल आने दें इसे। हम एक बार चावल देख लेते हैं, चावल देखें हमारे इसमें पक गए हैं। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, दूध भी हमारा उबाल आ गया है। और इसमें हम ये चावल डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह से इसी तरह 2 से 3 मिनट हिलाते रहें, ये चावल मिक्स हो जाएंगे। देखिए इस तरह से मिलाते रहें और इसे 5 से 6 मिनट तक इसे पकाना है हमें। ये धीरे धीरे गाढ़ा होते जा रहा है, हमारी खीर बन गई है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।